तो चीन से समझौते पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने चीन को पकड़ाई हिंदुस्तान की पवित्र जमीन, ये आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। बॉर्डर पर अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल होनी चाहिए। चीन के आगे झुक गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी कायर हैं, ये आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने। वहीं गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। जी किशन रेड्डी ने कहा है कि देश की जनता जानती है कौन कायर है कौन नहीं। कौन भारत का जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से उन्हें मालूम पड़ता है। वो कायर कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कौन कायर है कौन देशभक्ति है सभी देश की जनता को मालूम। सर फिंगर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल देश को चीन के साथ हुए समझौते के बारे में एक एक जानकारी दी, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को न तो देश के रक्षा मंत्री पर भरोसा है और न ही संसद के अंदर दिए गए किसी बयान पर। कल राजनाथ सिंह के दिए बयान के बाद आज राहुल गांधी ने किस तरह से सवाल उठाए हैं दिखाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज अ कावर्ड हु कैन नॉट स्टैंड अप टू द चाइनीज, दैट्स द फैक्ट, एंड ही इज स्पिटिंग ऑन द सैक्रिफाइस ऑफ आवर आर्मी, दैट्स व्हाट ही इज डूइंग, ही इज बिट्रेइंग द सैक्रिफाइस ऑफ आवर आर्मी एंड नोबडी In India should be allowed to do it. Nobody in the rest of the world should be allowed to do it. बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर के तहत भी बैठकें होती रही हैं। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर राहुल गांधी ने आज सवाल उठाए हैं और राहुल गांधी ने जो 5 सवाल आज पूछे हैं वो आपको बता दें। पहला सवाल जो उन्होंने पूछा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के आगे झुके वो कायर है। प्रधानमंत्री ने चीन को हिंदुस्तान की पवित्र जमीन दी, यह आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। सरकार ने फिंगर 4 से फिंगर 3 की जमीन चीन को दी। स्ट्रेटेजिक एरिया पर राजनाथ सिंह ने एक शब्द नहीं कहा। सीमा पर अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल, तो ये मांग भी राहुल गांधी ने की है।